नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक बताएंगे बिजनेस आइडिया के बारे में, एक ऐसा बिजनेस जिसको एक कम लागत में शुरू किया जा सकता है और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे साथ राकेश कुमार जी हैं, वो कुछ मशीनें बनाते हैं जिसके जरिए कोई भी अपना रोजगार शुरू कर सकता है। राकेश जी से जानते हैं कि किस तरह की वो मशीनें बनाते हैं, क्या प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाया जा सकता है। सर स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। थैंक यू सर। किस तरह की मशीनें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट इसके जरिए बनाए जा सकते हैं? हम लोग डिफरेंट टाइप के एल्युमिनियम फॉयल कंटेनर मेकिंग मशीन बनाते हैं, स्मॉल प्राइस से लेके बिग प्राइस तक, सिंगल डबल ट्रिपल फोर कैपरे तक। टीसी पेपर नैपकिन मशीन भी बनाते हैं, जो सबसे कम अमाउंट में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 5 से 10 लाख के एस्टिमेट में अपना, जो भी नया लोग हैं, नया युवा हैं, उसको ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस लघु उद्योग के अंदर आती है, तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल मशीन परचेज के बाद इसको आप घरेलू बिजनेस की तरह स्टार्ट कर सकते हैं कहीं भी। इसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, जब से ये प्लास्टिक बैन हुआ है तब से इसका डिमांड हर जगह है, रेहड़ी पटरी शादी हर जगह इसका डिमांड ज़्यादा है। और ये लघु उद्योग के अंदर आता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए कोई सर्टिफिकेट, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, और इजीली ये मार्केट में सेल है। जिस तरह से ये आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ, अलग अलग कंटेनर अलग अलग साइज के हैं, तो ये किस तरह से बनाए जाते हैं? इसके लिए क्या अलग अलग मशीन की जरूरत होती है या एक ही मशीन में ये सब बनाया जाता है? इसके लिए मशीन एक ही रहती है, बट इसको बनाने के लिए डाई या मोल्ड बोलते हैं, डाई अलग अलग शेप में रखा जाता है। एक मशीन में मल्टीपल डाई लगते हैं, छोटे साइज के डाई हो गए, बिग साइज के डाई हो गए, ओवल अंडाकार हो गए, स्मॉल 210 ml हो गए। तो मशीन एक ही रहती है, बट जिस जिस साइज का हमें चाहिए रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम डाई सेट करते हैं मशीन में और प्रोडक्शन निकल जाती है। सर ये जिस तरह की ये मशीन है, तो इसकी क्या लागत आती है और किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कोई लेना चाहे तो? सर इसको यूज करना, इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ये किसी भी घरेलू, हम इसको घरेलू में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमें 3 फेज की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और इसको चलाने के लिए एक एयर कंप्रेसर चाहिए, जो कि एयर बेस्ड सब सिस्टम होती है। एक फीडर होता है और एक पैनल होता है और एक मशीन होती है। तो इसको इंस्टॉल करना, चलाना बहुत आसान है। मेन है रॉ मटेरियल जो आती है, वो मैन्युफैक्चरर जिंदल, हिंडाल्को, मर्द और सभी से आती हैं। वहाँ से रॉ मटेरियल के बाद इसको सिंपल अपना ऑपरेटर जाता है, इंस्टॉल करके बता देता है। बहुत आसान है यूज करना, ये बहुत आसान है इसको सेल करना। इसकी लागत सबसे कम से 5 से 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो जाती है, और मैक्सिमम भी जाती है जिसको जितना बजट है, लेकिन मिनिमम 5 से 10 लाख में बिजनेस स्टार्ट हो जाती है। सेल इसकी बहुत आसान है, प्रॉफिट इसको 20% के आसपास है। सर जिस तरह से आपने बताया था कि अलग अलग मशीन है, एक 9 लाख से शुरुआत होती है, तो जो सिंगल प्लेट बनाती है एक बार में, और कुछ मशीनें हैं जो डबल बनाती है, ट्रिपल बनाती है, तो किस तरह की मशीनें हैं, क्या क्या डिफरेंस है अलग अलग मशीनों में? तो अगर आप इधर आए तो मैं दिखाऊंगा। सिंगल कैप की मशीन है, जिसमें एक फीडर बोलते हैं इसको, ये पावर प्रेस है, वहाँ पे डाई लगती है। तो ये सिंगल कैविटी है, मीन्स एक बार में एक ही पीस निकलेगा, बट पर मिनट 50 पीस की कैपेसिटी है। एक मिनट में 50 पीस इससे निकलेगा, बट एट ए टाइम 1 पीस निकलेगा किसी भी साइज का, लेकिन पर मिनट 50 है। तो एक घंटा में जोड़े तो ये 3000 पीस एक घंटे में निकलते हैं। ये सिंगल कैविटी हो गई। ऐसे ही अगर बैक साइड में देखें तो ये डबल कैविटी है, इसमें हम एक बार में 2 पीस सेम साइज का निकलेगा। मीन्स अगर एक घंटे में ये 6000 पीस इससे प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 घंटा चलाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट 60,000 पीस पर डे इसको इससे आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा आपने बताया कि कुछ एक मशीन आपके द्वारा ऐसी भी बनाई गई है जिसमें एक साथ में 4 कैविटी की। हाँ, 4 कैविटी की यही है, लेकिन कैपेसिटी इसमें बढ़ जाती है, 80 टन का प्रेस होता है। इसमें डाइया 4 कैविटी की लगती है, जिसमें एक बार में 4 पीस निकलते हैं। तो एक घंटा में आप अप्रॉक्सीमेट 1,20,000 पीसेस निकलती है उस मशीन से। तो डाइया 4 कैविटी की होती है, हेवी कैपेसिटी की होती है, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उसमें बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी रेंट सब सेम है, बट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट। अच्छा, जिस तरह से सरकार द्वारा जो प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन कर दिया गया है, अब लोग इसकी तरफ ज़्यादा, जो ये एल्युमिनियम कंटेनर हैं उनकी तरफ ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये जो अगर रोज़गार कोई करना चाह रहा है तो उसको कितना फ़ायदा होगा अगर वो मशीन ले जाता है, अपना काम शुरू करता है? एक्चुअली इसमें मार्जिन देखा जाए तो 15 से 20% के आसपास प्रॉफिट है, और प्लास्टिक बैन के बाद शादी में या हर जगह इसका ही यूज है, क्योंकि ये पानी से गलता भी नहीं है, और सबसे बात है रिसाइकिल है। मेन गवर्नमेंट का मकसद था रिसाइकिल होना, ये इजीली रिसाइकिल हो जाती है, ये फिर रिसाइकिल होकर फिर रॉ मटेरियल चेंज हो जाती है। प्रॉफिट मार्जिन इसका 20% के आसपास है,
और ये लघु उद्योग के आता है, अगर गवर्नमेंट से लोन भी मिलता है तो 35% के आसपास डिस्काउंट भी हो जाता है। लोन के थ्रू भी हर बैंक लोन प्रोवाइड करती है, उसके थ्रू बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ईजी लोन भी है इसका, बिजनेस करना भी आसान है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है और रेशियो प्रॉफिट ऑफ 20% के आसपास है। अच्छा, इसको कवर करने के लिए जो कवर आता है उसके लिए भी क्या अलग मशीन लगती है, वो किस तरह से काम करता है? हाँ, लीड, इसके जो ढक्कन बोलते हैं उसको लीड बोलते हैं हम, इसके लिए एक नॉर्मल मशीन आती है, हाइड्रोलिक मशीन, जो आपको एक से 1.5 लाख के आसपास मिलती है। वो एक बार में 100 पीस का प्रोडक्शन निकलती है, वो भी मशीन हम बनाते हैं, उसको लीड बोलते हैं इसके ऊपर। नहीं तो ईजिली मार्केट में मिल जाती है, बट हम उसके लिए मशीन बनाते हैं, जिसको अगर 1-2 मशीन ले जाता है तो वो मशीन रोलर ले जाता है, लीड कटर मशीन बोलता है। अच्छा, अगर आपके यहाँ से कोई मशीन ले जाकर रोजगार शुरू करना चाहता है तो वो मिनिमम कितना अमाउंट उसको करना पड़ेगा और उसको गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि लघु उद्योग की कैटेगरी में आता है तो क्या चीज़ें उसको मिल सकती हैं सरकार की तरफ से, और आपकी तरफ से उसको मशीन किस कॉस्ट में मिलेगी? देखिए, अगर कोई स्टार्टअप नया करना चाह रहा था, गवर्नमेंट के थ्रू अगर लोन है तो उसमें तो 35% सब्सिडी होती है। हम लोग नया रोजगार को ये करते हैं कि अगर किसी के पास समझिए कि 9 लाख की मशीन ले जा रहा है, तो अगर 5 लाख का भी अगर लोन मिलता है तो हम मशीन दे देते हैं। वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के अंदर जो भी अर्निंग होती है उससे वो अमाउंट अपने EMI के अंदर ही दे देता है, या एक बार में दे दे जैसे। तो हम लोग भी प्रोत्साहन करते हैं कि वो बिजनेस स्टार्ट करें, जो भी 10-20% है वो 1-2-3 महीने में दे देगा। अपने 1 साल की वारंटी होती है, ऑन साइड इंस्टॉलेशन होती है, ऑपरेटर भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, उनको ट्रेनिंग भी लोकेशन पे दे देते हैं कि आप कैसे मशीन चलाओ, तो अपने तरफ से फुल सपोर्ट होता है तो बिजनेस को स्टार्टअप करने। अच्छा, इस तरह की जो मशीनें आप बना रहे हैं ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया मशीन है, और लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्विस को लेकर रहती है लोगों को, तो सर्विस अगर मशीन कोई खरीदता है तो सर्विस की क्या रहती है चीज़ें, क्या सुविधा रहती है? सबसे बात है कि मेड इन इंडिया मशीन है तो हर पार्ट इसकी इजीली अवेलेबल होती है। हम लोग जेनेटिक वगैरह का न्यूमेटिक आइटम लगाते हैं, ऑन साइड रिप्लेसमेंट होती है। सर्विस हम लोग फुली अब दे रहे हैं, सर्विस ही मेन पार्ट है। किसी कस्टमर के लिए अगर सर्विस हम दे रहे हैं तो उससे अपना अपना बिजनेस भी बढ़ता है। हम सर्विस के लिए अपने लड़के ऑलरेडी ऑपरेटर है, हर जगह ब्रांच, पटना में भी ब्रांच है आपका, बेंगलोर में भी है, फिर आपका राजकोट में भी है, जहाँ पे ऑपरेटर रहते हैं। तो अगर किसी भी कारण से कोई कंप्लेन होता है तो ईजी वे में जो सर्विस हो जाती है उतना हम प्रोवाइड करते हैं। किसी भी लोकेशन से हम ऑपरेटर वहाँ भेज देते हैं, जो भी अप डाउन का खर्चा होता है वो भी हम पे करते हैं, और उनका जो भी दिक्कत हो रिजॉल्व करके लड़के आ जाते हैं। सर्विस पर हम बेसिकली ध्यान देते हैं। अच्छा, अगर किसी को ये रोजगार शुरू करना है, ये मशीन अगर लेनी है, तो वो किस तरह से आपसे संपर्क कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। ये आजकल यूकन से आप कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो यूट्यूब से भी हो सकते हैं, इंडिया मार्ट से भी हो सकते हैं, गूगल से लोग हो सकते हैं, वैसे एक दो दूसरे संपर्क में भी आते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा चांस रहता है, इंडिया मार्ट से भी ज़्यादा चांस रहता है। डायरेक्ट लोग MSME में इंक्वायरी कर लेते हैं, लघु उद्योग में वहाँ से भी आते हैं, तो कई तरह से कई माध्यम है जिसके थ्रू लोग आते हैं। अब तक बात करें तो आप कई लोगों को ये मशीन दे चुके हैं, तो किस तरह से उनका रोजगार बढ़ा है, क्या उनसे फीडबैक मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमने 4 साल में अप्रॉक्सीमेट 60-70 मशीन अभी तक दे दिया, नेपाल और इंडिया मिला के। इंडिया में ज़्यादा हमने साउथ, राजकोट, हर जगह, बिहार वगैरह सब जगह मशीन हमने दिया हुआ, और सबका फीडबैक बहुत अच्छा है। और जो बंदे 2019 में एक मशीन ले गए थे, अब 2021-22 में उन्होंने डबल मशीन ले गए, यहाँ तक रिमाइंडिंग मशीन भी ले गए, किचन भी ले गए। तो अभी तक कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जो ये बोले कि प्रॉफिट कम है या दिक्कत है। तो एक मशीन ले गए तो दोबारा और बिजनेस ईजिली कर रहे हैं, अपना उनका प्रॉफिट ईजिली सिंगल कैपिटल में 4-5 आ रहा है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कोई ज़्यादा निगेटिव फीडबैक नहीं है इसका। तो ये थे राकेश जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो मशीनें बनाते हैं जिसको खरीद कर आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, बहुत ही कम लागत लगती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको सुविधाएं मिलती हैं, बैंक से लोन मिल सकता है इन मशीनों को खरीदने के लिए, इसके बाद आप अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।